देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के सितारगंज में सरकार द्वारा दिए गए पैकेट से सामान निकालकर जनता तक पहुंचा रहे हैं मुनाफाखोर। राशन बांटते वक्त नहीं रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तहसील स्तर से बांटा गया है ग्राम पंडरी में। पूर्व जो टीचर अध्यापक महोदय ने सत्यापित किया था एपीएल कार्ड वाले जिसमें निम्न वर्ग की श्रेणी बात टीचर महोदय लोगों ने जो सत्यापित किया था एपीएल कार्ड का जिसमें निम्न श्रेणी वाले निवास करने वाले थे, कुल 363 लोग इसमें चिन्हित किए गए थे जिसमें मेरे द्वारा और मेरे साथ जो लगे हुए हैं सर्वे कानपुर श्री सलीम हुसैन और श्री जगदीश चंद्र जोशी सर्वे लेखपाल, इनके सहयोग से दिनांक 29 और ग्राम प्रधान की उपस्थिति में और जो यहाँ ग्राम सभा पंडरी के जो सम्मानित सदस्य भी हैं उनके उपस्थिति में दिनांक 29/5/2020 को 150 कट्टे बांटे गए थे और पुनः आज 1 जून 2020 को 121 कट्टे बांटे गए। कुल 271 कट्टे बांटे जा चुके हैं। शेष अभी जो राशन अभी समाप्त हो गया फिलहाल, कल परसों जब भी आ जाएगा जो शेष बचे हुए हैं उनको वितरित कर दिया जाएगा। तेल तो सबको दिया गया, 200 लीटर सबको दिया गया है। तेल में किसी को तेल तो गिन करके लाया गया था, हर आदमी को दो पैकेट देने थे तेल। तो चीनी हो नहीं होगी ऐसी तो कोई जानकारी में नहीं है क्योंकि कट्टे सील होकर आए हुए हैं वहाँ से, जहाँ से जिससे आया सील होकर के आया उसमें जो सामान है उतना दर उतना ही बांटा जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है भूल बस कहीं किसी में ना हो लेकिन हम सब में सामान बराबर है। गाड़ी से आ रही है ना वहाँ से तहसील से गाड़ी से लोड करके लाया जा रहा है और प्लास्टिक के कट्टे हो सकता है कहीं रास्ते में कहीं खुल गया हो। सैमसंग के लिए ये 2 होमगार्ड यहाँ तैनात किए गए थे लेकिन चूंकि ग्राम सभा का मामला है ना हो सकता है कि इसमें थोड़ा भीड़ भाड़ हो गया था, भी 2 होमगार्ड यहाँ तैनात किया गया था माननीय तहसीलदार साहब महोदय के आदेश के क्रम में। 2 होमगार्ड इसलिए लगाया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। और ये थोड़ा ग्राम सभा है, थोड़ा घनी आबादी है इसमें और तपती धूप के कारण थोड़ा सही लोग विचलित हो गए थे इसमें, इसके लिए आगे ध्यान रखा जाएगा कोई ऐसी